लक्ष्मणगढ़ कस्बे में श्री राम आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय निजी शिक्षण संस्थाओं के सभी संचालक प्रधानाचार्य ने एकत्रित होते हुए एक बैठक का आयोजन किया और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहते हुए आज श्री राम आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से ही सरकार की रीति नीति का विरोध करते हुए बताया गया कि राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु शिक्षा के इस क्षेत्र में जो नियमों को तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया जा रहा है, ये ऐसे पुनीत कार्य में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये इस प्रकार के ये नियम लागू नहीं करने चाहिए निजी शिक्षण संस्थान पर। आरटी का भुगतान दो दो तीन तीन साल तक अभी तक नहीं हुआ है। उन सभी संस्थाओं को आरटी का भुगतान हो, स्कूल शीघ्र खोलें, 16 तारीख से ही प्रयास ये करे राज्य सरकार। और जिला परिषद सभागार में सांसद महंत बालकनाथ योगी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामशरण शर्मा, पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम और जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। देखो, ऐसा है कि दिशा की मीटिंग के माध्यम से जितने भी अपने ज़िले के अंदर जो केंद्र की और जो सरकार की काम जो योजनाएं चल रही हैं उनके रिव्यू के बारे में क्या काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, इन सभी के चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, चाहे हमारे राशन उपभोक्ताओं को जो हमारी तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उसके बारे में हो, हर विषय। रामगढ़ अलवर सांसद बालकनाथ ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि जय कॉलोनी में शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान भूमि विवाद में कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे आपस में भाईचारा बना रहे और समस्या का समाधान भी हो जाए। द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो,